कोरोना वायरस पर मोदी सरकार के झूठ का पोल खुल गया। कोरोना के टेस्ट रोक दिए गए जबकि अमवाद भी कम जाहिर की जा रही है। अमरीकी मीडिया और भारतीय ओपोजिशन ने दुनिया को हकीकत बता दी। अमरीकी टीवी के एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस से निपटने में भारतीय हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम रही, जबकि सरकार वबा के दौरान अपने शहरियों के तहफ्फुज़ की बुनियादी जिम्मेदारी उठाने में भी नाकाम रही। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में 1000 में से सिर्फ 9 अफराद के टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि वायरस के बायस होने वाली अमवात की तादाद भी 1/4 तक कम जाहिर की जा रही है। इसके अलावा भारत में लॉकडाउन की वजूहात महज मफरूजा ही साबित हुई। दूसरी जानिब भारत की ओपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी को झूठा करार देते हुए कहा, बीजेपी कोरोना टेस्टिंग रोककर और अमवात की गलत तादाद बताकर अवाम को गुमराह कर रही है। राहुल गांधी ने ये कहा कि मुल्की मईशत के दादो शुमार को भी गलत तरीकों से पेश किया जा रहा है। चीन के साथ हालिया कशीदगी पर भी अवाम से झूठ बोला जा रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि जब झूठ और धोखेबाजी का पर्दा चाक होगा तो भारत को इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी।